नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मंगलवार की देर शाम आई 226 लोगों की जांच रिपोर्ट में 221 लोग निगेटिव आए, जबकि 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 किरतपुर, 1 हल्दौर के गांव बल्दिया तथा 1 शिवारा क्षेत्र के गांव सहसपुर का निवासी है। सभी पॉजिटिव मरीजों को प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर सुहेड़ी भर्ती कराया, जबकि मंगलवार को एक अधिकारी की मां, नगीना के मोहल्ला मानकचंद निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव कासमपुर गढ़ी मोहम्मदपुर राजौरी वे रेड़ थाना क्षेत्र के गांव जाफता नगर निवासी 4 युवतियां सहित 13 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौटे। जनपद में अब कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 211 हो गई, जिसमें 140 लोग ठीक होकर घर चले गए, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो चुकी। अब बिजनौर में कोरोना के एक्टिव केस 67 हैं। मंगलवार को आए 5 नए मरीजों में किरतपुर के मोहल्ला सीसग्रान निवासी 15 वर्षीय लड़की, मोहल्ला अंसारियान का रहने वाला 22 वर्षीय युवक व मोहल्ला बाल्मीकि के रहने वाला 42 वर्षीय व्यक्ति है। वहीं हल्दौर क्षेत्र के गांव बल्दिया निवासी 26 वर्षीय युवक तथा सिवारा क्षेत्र के गांव मकसूदपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को कोविड केयर सेंटर सुहेड़ी भर्ती कराया। बिजनौर से नीरज वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिले व्यक्तियों के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटीन किया था। परिजनों की जांच रिपोर्ट नॉर्मल आने पर करीब 50 लोगों को क्वारंटीन मुक्त कर घर भेज दिया, जिसमें करीब 27 लोग अफजलगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर थे, जबकि 23 लोग कौशल विकास केंद्र में भर्ती थे। सभी की रिपोर्ट नॉर्मल आने पर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन ने प्रत्येक परिवार को एक राशन किट भी दी। बताया जाता है कि गाँव कासमपुर गढ़ी अठवारियों वाला सहित कई गांव के लोग शामिल रहे। उधर नोडल अधिकारी डॉक्टर रजनीश का कहना है कि आज बुधवार को अस्पताल व कौशल विकास केंद्र में क्वारंटीन किए गए सभी लोगों को घर भेज दिया गया है। वहीं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए पीएससी में बंद की गई ओपीडी सेवा भी गुरुवार से मरीजों के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शटडाउन लेकर लाइन का फॉल्ट सही कर रहे संविदा कर्मी की विद्युतकरण की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। घटना की सूचना पर पहुंचे विधायक ने गंभीर हालत में संविदा कर्मी को मुरादाबाद हायर सेंटर भर्ती कराया। वहीं संविदा कर्मी के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। बताते चलें कि 30 वर्षीय संविदा कर्मी लाल सिंह शेखपुरा ठाट बिजली घर पर कार्यरत है। बताया जाता है कि लाल सिंह शटडाउन लेकर गांव के नज़दीक कुएं की बिजली ठीक करने गया था, लेकिन अचानक 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन में करंट आने से वह बुरी तरह झुलस गया। घटना की सूचना पर पहुंचे विधायक अशोक राणा की मदद से घायल संविदा कर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ उसको गंभीर अवस्था में मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। शिवारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शिवारा थाना क्षेत्र के ग्राम मलुकपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उप जिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर राशन डीलर द्वारा कार्ड धारकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिकायती पत्र सौंपने वालों में दिलशाद अहमद, मोहम्मद फारूक, नवील अहमद, शमशाद अहमद, नसीमा, अजगर, शाहरुख, सलमान, अंसार आदि शामिल रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज ग्राम मलकपुर ब्लॉक बढ़नपुर सुहारा के कुछ लोग आए थे राशन डीलर के खिलाफ। क्या कुछ कहना है? सुहारा के कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने मलकपुर जो कि बढ़नपुर में पड़ता है राशन डीलर की शिकायत कर रहे थे कि राशन डीलर ने काफ़ी ऑनलाइन करने के बाद भी राशन जो कार्ड बनने की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं बाधित कर रखा है। फिलहाल उसकी उनके प्रार्थना पत्र की जाँच करा के आगे की कार्रवाई की।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र के आदेशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन जेसीबी के तहत शेरकोट पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नूरपुर छिपरी में छापामार कार्रवाई करते हुए दो युवकों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में युवकों ने अपने नाम अब्दुल रऊफ पुत्र अब्दुल शकूर व सनावर अली पुत्र अब्दुल रऊफ निवासीगण ग्राम नूरपुर छिपरी बताया। पुलिस ने वहां से 315 बोर के 12 व 312 बोर के 2 तमंचे, 26 अर्ध बने तमंचे, 10 कारतूस व ग्राइंडर, गैस कटर, आरी, प्लास, हथौड़ा सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली टीम में शामिल अफजलगढ़ सीओ महेश कुमार, शेरकोट थाने के दरोगा ब्रह्मपाल सिंह, रामबीर सिंह, सतेंद्र सिंह उज्जवल, कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, रवि मलिक, प्रदीप कुमार, उमेश कुमार आदि शामिल रहे। ये आईजी रेंज महोदय के निर्देशन में एक अभियान चल रहा है, जेसीबी अभियान, जिसमें कि जो भी अवैध शस्त्र हैं उनकी बरामदगी, जो भी घटनाओं में लिप्त हुए हैं या उनकी बरामद संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसी कार्रवाई के अंतर्गत बिजनौर पुलिस द्वारा थाना शेरकोट के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति के यहाँ छापा मारा गया है। उसके यहाँ अवैध रूप से शस्त्रों की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को तब मिली जब एक अवैध संचालित शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें करीब 42 तमंचे बने अधबनी, 2 राइफल अधबनी मिली हैं और करीब 10 कारतूस मौके से पकड़े गए हैं और उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा जनपद में अगर आज की डेट में देखें, जनपद बिजनौर में लगभग हम लोग 100 तमंचे बने और अधबने बरामद कर चुके हैं। 3 जनपद में शस्त्र फैक्ट्रियाँ मिल चुकी हैं और करीब जो है 100 के आसपास कारतूस जो हम लोग रिकवर कर चुके हैं। काफ़ी संख्या में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अभियान 2 दिन का अवशेष रह गया है और कल हम लोग कल तक जो है काफ़ी बड़ी स्तर पर कार्रवाई करके अवगत करेंगे। इतने बड़ी तादाद में तमंचे मिले, क्या कुछ साजिश में काम आने वाले थे क्या? हाँ, ये जानकारी है कि थाना शेरकोट में ये व्यक्ति जो है पूर्व में भी इसका नाम आया है, जो भी कई बार घटनाएं हुई हैं NRC आदि घटनाएं हुई उसमें भी इनका नाम आया था कि अवैध तमंचे सप्लाई किया, परंतु पुलिस को कभी पुख्ता जानकारी या साक्ष्य नहीं मिल पाए कि गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। कल उसके यहाँ दबिश देकर मौके से कुछ शस्त्र फैक्ट्री समेत गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में ट्रक द्वारा अपने गांव लौट रहे प्रवासी परिवार को ट्रक चालक ने पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर प्रवासी दंपति को उतार दिया और 4 बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें 2 बड़ी लड़की व 2 छोटे बच्चे थे। ट्रक चालक ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दंपति की सूचना पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस दंपति ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि वह जिला बरेली के निवासी हैं तथा हरिद्वार में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान वह वहीं फंस गए थे। मंगलवार को वह 4 बच्चों के साथ बरेली अपने घर जाने के लिए हरिद्वार से रुद्रपुर के लिए ट्रक में बैठे थे। उसने बताया कि धामपुर से कुछ दूर पहले ही ट्रक चालक ने दंपति को यह कहते हुए ट्रक से उतार दिया कि आगे पुलिस की चेकिंग है, दोनों पति पत्नी यहीं उतर जाएं, वह नगीना चौराहे से आगे जाकर ट्रक रोक लेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो पुलिस उनके परिजनों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर देगी। ट्रक चालक की बातों पर भरोसा करते हुए वह वहीं उतर गए, जबकि ट्रक में बैठी 2 पुत्रियां व 2 छोटे पुत्र को लेकर ट्रक चालक चला गया। नगीना चौराहे पर जाकर देखा तो ट्रक नहीं मिला, जिससे वह घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक में सवार एक किशोरी ने ट्रक चालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आप बीती बताई। थाना कोतवाली प्रभारी रंजन कुमार शर्मा ने आरोपी ट्रक चालक उमेश चंद पुत्र रमेश चंद निवासी जिला अल्मोड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। एक ड्राइवर द्वारा जो है रेप का मामला सामने आया है प्रवासी मजदूर के बेटे के साथ, क्या मामला है? ये कुछ लोग जो है हरिद्वार में चंडीपुर से एक ट्रक में सवार हुए थे, जिन्हें की बरेली जाना था। ट्रक वाला एक जहाँ उसके द्वारा बताया बरेली छोड़ दूंगा परंतु रुद्रपुर जा रहा था, वो उसमें उनकी जो व्यक्ति सवार थे उनके 2-3 बच्चे थे और माँ बाप थे। उसके उपरांत ट्रक में धामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है नगीना चौराहे पर माँ बाप ने यह बता दिया कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है और बच्चों को लेकर ट्रक वाला वहाँ चला गया। इसकी जानकारी थाने पर उनके माँ बाप द्वारा दिया कि बच्चों को लेकर चला गया है। तत्काल पुलिस की 3 टीमें सक्रिय की गई, पूरे जिले में नाकाबंदी करा के
और कंट्रोल रूम माध्यम चेकिंग कराएगी। शेर टू टूट पे ही ट्रक को पकड़ लिया गया, उसमें एक बच्ची जो कि नाबालिग थी उसके साथ जो गलत बात करने की गलत काम करने की बात सामने आई है। बच्ची से पूछताछ की द्वारा बताया गया ट्रक ड्राइवर द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया, इसकी जानकारी पर उचित धाराओं में भी पंजीकृत कर गया है। ट्रक से जो तलाशी पर उसे एक तमंचा भी बरामद हुआ ट्रक वाले गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए आज जेल भेजा जा रहा है। जो पीड़िता का मेडिकल और बयान आदि की कार्रवाई की जा रही है।